जय हिंद एवरीवन, एंड हियर वी आर वंस अगेन विद आवर चैप्टर टू, दैट इज नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स. ओके, सो व्हाट वी हैव स्टडीड यस्टरडे, that was a relationship among different aggregates of national income. Hamara GDP at MP, isko hum kaise convert kar sakte hain, NNP at MP, aur isko hum kaise convert kar sakte hain, NNP at FC, then again NDP at FC. ये सारा कन्वर्जन जो है, मैंने आपको क्या रिलेशनशिप है इनमें आपस में और किस तरह से कन्वर्ट करना है, ये मैंने अपने प्रीवियस टू लेक्चर्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स, एंड नाउ वी आर प्रोसीडिंग फर्दर. आगे के टॉपिक मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आता जाए. स्टिल इफ़ यू फील एनी डाउट देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस इन द गिवन टाइम स्लॉट. लेकिन मुझे एक कंप्लेंट है कि कोई डाउट मेरे सामने नहीं आ रहा है गिवन टाइम स्लॉट के बीच में, दैट इज़ 6 to 8 का जो टाइम है इवनिंग में व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें आप लोगों का कोई डाउट निकल कर नहीं आ रहा है, जिससे मुझे ये डाउट हो जाता है कि वेदर आप लोग कंप्लीट वीडियो देख भी रहे हैं या नहीं देख रहे हैं. प्लीज़ क्लियर आउट दिस सिचुएशन, मेरा ये डाउट क्लियर करिएगा. अगर आप देख रहे हैं तो मुझे पता लगना चाहिए बाय योर रिस्पॉन्सेज, और अगर आपके देखने के बाद में कोई डाउट नहीं आ रहा है देन इट इज़ वेरी गुड. एटलीस्ट मेरा भी कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है कि हाँ भाई, मैंने कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि आप लोगों को समझ में आ गया. और अगर नहीं हो रहा है, मतलब कि वीडियो नहीं देखा जा रहा है, तब डाउट नहीं आ रहा है, देन इट इज़ वेरी पेनफुल सिचुएशन फॉर मी. Please share your feedback with me so that I can improvise and you may score good in your board exam. क्योंकि ultimate target हम दोनों का वही है. I am also teaching and I am also trying my best to explain these topics so that आप लोगों का जो concept है वो clear हो सके और आप लोग board exams में अच्छे marks score कर सके. और आप लोग का भी आई एम वेरी मच श्योर कि टारगेट यही होगा. कोई ये नहीं चाहता होगा कि मैं बोर्ड एग्जाम्स में कम मार्क्स लेकर पास हूँ. एवरीवन वांट्स दैट कि उसके मार्क्स जो है 90+ में आए. तो अब वो 90+ लाने के लिए फॉर श्योर हमें मेहनत भी कुछ उसी हिसाब से करनी होगी. नाउ प्रोसीडिंग फर्दर टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक, आज का जो अगला टॉपिक है वो क्या है हमारा, GDP एट करंट प्राइसेस, और या फिर जिसको आप बोलते हो नॉमिनल GDP, ठीक है. और दूसरा है आपका GDP एट कांस्टेंट प्राइसेस, जो कि है आपका रियल GDP. ओके, तो ये आप लोगों ने टर्म्स दोनों फॉर श्योर चैप्टर में सुनी होंगी, एक नॉमिनल GDP और दूसरा होता है रियल GDP. ये क्या होता है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टुडे क्लास. देखिए, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने ये चीज़ क्लियर आउट किया कि जो भी हम GDP कैलकुलेशन करते हैं वो हम करते हैं मार्केट वैल्यू पर. हाँ, मार्केट वैल्यू पर, या जिसको फॉर्मूले में हमने नाम दिया था मार्केट प्राइस. नीचे GDP एट मार्केट प्राइस इस तरह से करके लिखा हुआ होता था. अब ये मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू जो भी आप कह लो, ये मॉनिटरी वैल्यू होती है, यानी काउंटेड इन रुपीज़ होती है वो मार्केट वैल्यू, ठीक है. अब ये रुपीज़ की जो वैल्यूएशन होती है ये किस तरह से होती है, यही आपका GDP कैलकुलेशन में मैटर करता है. कई बार क्या होता है कि हम GDP कैलकुलेट तो कर लेते हैं, हमारा इंक्रीज्ड भी आ जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो जो GDP कैलकुलेशन का जो तरीका होता है वो हमारा गलत होता है और उससे रियल GDP हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. अब यहाँ क्वेश्चन या फिर कह लो कन्फ्यूजन ये आ सकती है कि भाई जब कैलकुलेट किया तो ये रियल GDP की टर्म क्या हो गई, ठीक है. रियल GDP
क्या हो गया। इसके लिए पहले आप ये समझ लो कि जीडीपी हम कैलकुलेट ही क्यों करते हैं। तो आप इंडिविजुअल यानी माइक्रो लेवल से शुरू करिए। माइक्रो लेवल से शुरू करने का मतलब इंडिविजुअल लेवल से आप शुरू करिए। एक पर्सन अपनी इनकम क्यों कैलकुलेट करता है? सो दैट ही मे बी एबल टू नो कि वो अपनी इनकम उसकी आगे बढ़ रही है या घट रही है, वो ग्रोथ के एस्पेक्ट पर है या नहीं है। ठीक है, अब इसी चीज़ को आप नेशनल लेवल पर ले जाइए, कंट्री के लेवल पर ले जाइए। एक कंट्री जहाँ पर एक इकोनॉमी काम कर रही है, एक इकोनॉमी सर्वाइव कर रही है, वहाँ वो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, वहाँ पर उसकी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, वो ग्रोथ रेट क्या है, कितने परसेंट से ग्रो कर रही है वो, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमें ज़रूरी होता है कि हम जीडीपी कैलकुलेट करें। किसी भी कंट्री का जो जीडीपी होता है, ठीक है, वो क्या होता है, जीडीपी जो है वो हमारा वहाँ का डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, यानी हम कंट्री के इंटरनल में कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, यानी हमारी कंट्री का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है। और किसी भी कंट्री का जो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये हमारी कंट्री की नेशनल इनकम होती है। इसको हम बोलते हैं कंट्रीज नेशनल इनकम। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एनएनपी क्या होता है, या फिर वाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम हम इनमें से किस चीज़ को, फैक्टर प्राइस, मार्केट प्राइस या एनडीपी, जीडीपी, आपने बहुत सारी टर्म पढ़ डाली, तो उन टर्म्स में से किसको आप बोलोगे कि ये हमारी कंट्री की नेशनल इनकम है? तो आंसर क्या होगा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये हमारी कंट्री का क्या है, नेशनल इनकम है। अब ये कैलकुलेट कैसे किया जा रहा है? देखो, फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेट कर रहे हो आप, या फिर आप ये कह लो कि आप मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे जो भी ले रहे हो आप, लेकिन आप वहाँ पर आप प्राइस तो ले रहे हो, चाहे फैक्टर कॉस्ट है तो भी कॉस्ट ले रहे हो और मार्केट प्राइस है तो भी प्राइस ले रहे हो। अब यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। देखिए, मैं एक एग्जांपल के थ्रू से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ये हो गया आपका ईयर, ठीक है, यहाँ पर ले लीजिए प्रोडक्शन, यहाँ पर हो गया प्राइस, ठीक है, ये हो गया आपका जीडीपी, ये हो गया प्राइस, ये हो गई कमोडिटी, या फिर कह लीजिए आप क्वांटिटी, और ये हो गया ईयर। ठीक, तो अब आप दो तरीके, दो मेथड हैं जिस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो आपके जीडीपी को। ठीक, अब मान लीजिए कि 2010 का ईयर लिया आपने, आपने जो क्वांटिटी प्रोड्यूस की वो की 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, और जो प्राइस था, रेट था, वो था आपका 20 का। ठीक, तो अब आपका जो टोटल जो जीडीपी हुआ, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा, फोर जीरोस, ठीक है, और 20,000। ठीक, अब नेक्स्ट आप ले लीजिए 2011, यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन हो जाता है 900 यूनिट्स का। ठीक, लेकिन प्राइस क्या है, प्राइस इन्फ्लेशन के कारण या कोई भी और रीज़न से आप ले लीजिए, प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो गया, अब प्राइस हो गया 30 यूनिट्स का। ठीक, तो अब हमारा जो जीडीपी आया वो कितना आया, 9327,000। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, एंड नाउ जो आपका नेक्स्ट हो जाएगा
2012 ले लीजिए ईयर, और 2012 ईयर में अगर आपका प्रोडक्शन मान लीजिए 800 हो गया, लेकिन रेट जो है, प्राइस जो है वो फिर बढ़ जा रहा है, 40 रेट हो गया अब आपका पर यूनिट का, मल्टीप्लाई कर लीजिए जीडीपी आपका निकल कर आ रहा है 8 × 4 = 32,000, ठीक है। तो अब ये जो है 32,000, यहाँ पर अब आप ये देखो कि पर ईयर, ठीक, इफ़ यू काउंट अबाउट एवरी ईयर, 2010 में आपने 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, 20 के रेट पर आपका जो जीडीपी निकल कर आया वो कितना आया, 20,000, ठीक। इसके बाद में 2011 में हो गया, तो ये कितना हो गया, 27,000। नेक्स्ट 2012 में अगेन आपकी प्रोडक्शन घटता जा रहा है, तो आप क्या कहोगे, 32,000, ये रेट में इंक्रीज़ की वजह से आपका अमाउंट आ गया। नाउ इफ़ वी आर टॉकिंग लाइक न्यूमेरिकली, अगर आप सिर्फ इसको फोकस कर रहे हो, अगर आप सिर्फ इसको देख रहे हो, तो आप कह रहे हो यस, जीडीपी इंक्रीज़ हो रहा है, पर क्या ये रियली में इंक्रीज़ हो रहा है, नहीं इंक्रीज़ हो रहा, क्यों, क्योंकि आप प्रोडक्शन पर फोकस करो, तो प्रोडक्शन क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज़ होता चला जा रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है कि नहीं, यहाँ 1000 था, देन 900 हुआ, एंड देन 800 हो गया, तो ये क्या है आपका, ये जीडीपी कैलकुलेशन का मेथड हो गया रॉन्ग, है ना, ये आपका एक्यूरेट जीडीपी कैलकुलेट नहीं हो रहा है। अब आप इसी चीज़ को दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करिए कि हमने सेम एग्ज़ाम्पल में हमने क्या करने की कोशिश की है, हमने यहाँ पर एक बेस ईयर रख लिया, ठीक है, अब वो बेस ईयर क्या हो गया, हमारा बेस हो गया, और उस बेसिस के हिसाब से हम कैलकुलेट करते चले जा रहे हैं, तो जो भी रेट में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जो भी आ रहा है वो अलग है, लेकिन जीडीपी कैलकुलेशन के लिए हमने जो बेस ईयर लिया है, हम उसी के बेसिस पर कैलकुलेट करते चले जा रहे हैं, तो हमें एक सिमिलैरिटी मिलेगी जीडीपी की फ़िगर्स में, और तब अगर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आ रहा है, देन ओनली वी कैन से कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो इतने परसेंट का है, या हम ग्रो कर रहे हैं या नहीं एग्जैक्टली, वो भी हम ये जान सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं आपकी, जो कि नॉमिनल जीडीपी होता है और रियल जीडीपी होता है। जब आप पर ईयर जो प्राइसेस, प्रीवेलिंग प्राइसेस जो भी चल रहे हैं उनके हिसाब से जीडीपी कैलकुलेट करते हो, तो वो आपका नॉमिनल जीडीपी होता है। जब आप एक किसी एक ईयर को बेस ईयर, जो आपने लास्ट ईयर क्लास 11th में स्टैट्स में पढ़ा होगा, P0 लिया जाता था बेस ईयर के तौर पर, जब आप उसके बेसिस पर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तब आपका क्या निकल कर आएगा, रियल जीडीपी, ठीक है। और जबकि अगर आप P1 × Q, ठीक है, या फिर कह लीजिए P × Q, ये आप कर दे रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, नॉमिनल जीडीपी। यहाँ पर इसको इवैल्यूएट करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। पॉसिबल नहीं होने का मतलब, इसको इवैल्यूएट करना जो है वो क्या होता है, इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते, इवैल्यूएशन मतलब सॉरी कैलकुलेट नहीं कर सकते, कैलकुलेट करने का मतलब कंपेयर नहीं कर सकते, वंस अगेन आई एम सॉरी, इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते हो एक ईयर के जीडीपी को दूसरे ईयर के साथ में, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में कैलकुलेशन में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। जबकि जो ये रियल जीडीपी है, इसको आप कंपेयर कर सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ P0 जो बेस ईयर है हमारा वो कांस्टेंट है, वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं हो रहा है। नाउ लुकिंग एट द डेफिनेशन पॉइंट, डेफिनेशन क्या कहती है हमारी, सी हियर यू हैव बीन गिवन द डेफिनेशन, द टोटल मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर काउंटेड ऑन द बेसिस ऑफ करंट मार्केट प्राइस इज कॉल्ड एज नॉमिनल जीडीपी।
इज कॉल्ड एज नॉमिनल जीडीपी या जीडीपी एट करंट प्राइसेस, ठीक है। और जब आप उसी को बेस ईयर लेकर चलते हैं तब आपको जो जीडीपी मिलता है वो क्या कहलाता है, आपका रियल जीडीपी। क्यों? क्योंकि व्हाई एंड हाउ डू वी एस्टीमेट जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। क्यों कांस्टेंट प्राइसेस पर ही कैलकुलेट करते हैं? उसका रीज़न यही है कि हमें एक बेस मिल जाता है, एक सिमिलर बेस मिल जाता है जहाँ पर सिमिलैरिटी है फिगर्स में हमारे, और तब हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारा जो ग्रोथ रेट है वो वाकई में इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, वी कैन फोकस हियर ऑन एन एग्जाम्पल। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कॉन्स्टेंट प्राइजेस वाला भी और आपका करंट प्राइजेस का भी, ठीक है। यहाँ पर आप ये देख सकते हो, ये आपका जो है ये P1 या फिर आप सीधे P कह लीजिए, इसको सीधे P कह लीजिए, जबकि ये जो है आपका बेस ईयर P0 मानकर हमने लिया हुआ है, ठीक है। तो बेस ईयर यहाँ पर 2015 को लिया हुआ है, बेस ईयर यहाँ पर 2015 को लिया हुआ है, और 2015 के हिसाब से क्या है आपका ब्रेड्स का जो प्रोडक्शन है यूनिट्स में 1000 है, और प्राइस ऑफ ब्रेड 10 रुपीज़ पर यूनिट है। नाउ 1000 × 10 यहाँ पर करंट प्राइजेस के हिसाब से क्या हो जा रहा है, 10,000 हो जा रहा है, जबकि कांस्टेंट प्राइजेस के हिसाब से भी ये 10,000 आ रहा है 2015 का है। नेक्स्ट फिर आपका 2016 में 1000 हो जा रहा है, यहाँ पर आपका प्राइस इंक्रीज़ हो गया, तो करंट प्राइसेस के हिसाब से ये 20,000 हो गया, इंक्रीज़ दिखा रहा है कि भाई जीडीपी आपका बढ़ गया। लेकिन क्या ये जीडीपी बढ़ा? नहीं बढ़ा। कैसे नहीं बढ़ा? यहाँ कांस्टेंट वाले में आप आकर देख सकते हो इसको, अगेन ये 1000 यूनिट्स को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या निकल कर आ रहा है, 10,000। ना 2017 में हमारा प्रोडक्शन बढ़कर कितना हो गया, 1200 यूनिट्स का, और प्राइस ऑफ ब्रेड हो गया है 15 रुपीज़। अब यहाँ पर आप करंट प्राइजेस के हिसाब से अगर आप मीज़र कर रहे हो तो आपका 1200 × 15 इक्वल टू कितना आ गया, 18,000, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि भाई यहाँ 2016 के कंपैरिजन में 2017 में जो है जीडीपी आपका कम हो गया है अगर आप करंट प्राइसेस के हिसाब से देख रहे हो तब, ठीक है। लेकिन अगर आप कांस्टेंट प्राइसेस पे देखिए, कांस्टेंट प्राइसेस की तरफ फोकस करिए, तो 1200 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 10 आपका जो जीडीपी निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 12,000, ठीक है। अब ये 12,000 का जो जीडीपी है ये क्या हो जाएगा, ये आपका 12,000 का जो जीडीपी है ये आपको ये शो कर रहा है कि ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है किसमें, जीडीपी में। अब ये सिंपली रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आपका प्राइसेस थे, जो भी प्राइसेस थे यहाँ पर वो क्या थे, कांस्टेंट थे, तब प्रोडक्शन में इंक्रीज़ रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपका जो जीडीपी है वो बढ़ रहा है, यानी आप की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ठीक है। अब वो किस रेट पर कर रही है वो परसेंटेज वाइज आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो आपको ग्रोथ आपकी मालूम पड़ जाएगी कि इकोनॉमी की ग्रोथ रेट क्या है, ठीक है। जबकि अगर आप यहाँ करंट प्राइसेस के हिसाब से देखिए तो आप ये कह सकते हो कि भाई 2017 में तो इकोनॉमी क्या हुई, वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में रिवर्स हो गई है, 20,000 से हमारा जीडीपी घटकर 18,000 आ गया, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी में, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसमें से बोर्ड एग्ज़ाम में जहाँ तक है 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना ही होता है इस डिफरेंशिएशन पर। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, एंड ये टॉपिक आपको बिल्कुल से क्लियर आउट होना ही चाहिए। इसीलिए मैंने इस वीडियो में कोई और टॉपिक को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, एंड आई एम
एक्सप्लेनिंग दिस, होपिंग दैट यू विल वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली, लिसन ऑल माई वर्ड्स, और फिर क्लैरिफाई आपको ये टॉपिक, आप मतलब आप ये टॉपिक जो है वो क्लैरिफाई कर लोगे. एंड विद दिस होप आई वॉन्ट टू कंक्लूड दिस वीडियो. एंड yesterday I have given you some multiple choice questions, some MCQs I gave you as your homework, and in that MCQs nominal or real GDP से related जो भी questions थे वो आप आज sort out करेंगे, that is your homework. Okay, along with this I need not to remind you in my every video that you have to make notes for these topics as well. Okay, that's all for today's class. I hope you would have understood all the topics. Thank you and have a good day.